हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेडॉक्स रिएक्शन का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर चेक कर सकते। तो एमएससी फर्स्ट सेम और एमएससी सेकंड सेम दो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, ठीक है। तो वहां पे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्ले वीडियोस मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, तो उसे चेक जरूर कीजिएगा। तो आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आप लोगों को हेल्प होगी, ठीक है ना। और साथ में मुझे भी मोटिवेशन बनता है कि मेरे को और वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? तो देखिए, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन सेम कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इसमें अब क्या कह रहे हैं आगे, रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक मेटल से दूसरे मेटल में होता है, ठीक है। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक मेटल से दूसरे मेटल में, जिससे एक का ऑक्सीडेशन तथा दूसरे का रिडक्शन होता है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक मेटल से दूसरे मेटल में होगा तब क्या कंडीशन हो बनती है इसमें, जिससे क्या होता है एक का जो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। इसमें दो केस बनते हैं, एक ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा रिडक्शन होगा, किसमें, रिडक्शन रिएक्शन में। इसे दो क्लास में डिवाइड किया गया है। अब दो क्लास कौन कौन सी है वो देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है, इस क्लास में कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर स्फीयर को कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता, इन्हें इलेक्ट्रॉन चेंजेस प्रोसेस कहा जाता है। नाम से ही समझ जाएंगे आप, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इस क्लास में कॉम्प्लेक्स के स्फीयर में कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता, ठीक है। कोई केमिकल चेंजेस नहीं होगा तो इसे क्या नाम दिया गया है, इन्हें इलेक्ट्रॉन चेंजेस एक्सचेंजेस प्रोसेस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है Fe(CN6)3- से क्या है, Fe(CN6)4-, फिर आगे है CoEn3+, CoEn3+, फिर CoNH3+ रिएक्शन होगी CoNH3+ से, ठीक है। इस तरह से ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, इस क्लास में नेट केमिकल चेंज होता है, ठीक है, अर्थात लिगेंड चेंज होते हैं जिससे मेटल के ऑक्सीडेशन में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी इसमें, मतलब कि ऑक्सीडेशन वाला इस कंडीशन बनती है। तो क्या कह रहा है, ये जो क्लास है इसमें क्या होता है, नेट का केमिकल चेंज होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, अर्थात लिगेंड इसमें चेंज हो जाते हैं जिससे मेटल में ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। आगे देखते हैं, तो आगे इसको एग्जांपल दिया गया है। तो देखिएगा, इसमें एग्जांपल में दिया है CrNH3+5X2+। जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, CrH2O6+। ये क्या है, Cr इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें Cr डबल बॉन्ड है, तो Cr2+ हो जाएगा, Cr2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या बन रही है, CrH2O, ये वाला रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे, अगर 5 हो जाएगा और ये 2+ हो जाएगा। फिर यहाँ पर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, CrH2O इसमें 6 हो जाएगा और ये 2+ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन मुझे कम्प्लीट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये रिएक्शन को एग्जाम में लिख कर आना है दोनों रिएक्शन को, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन वाला भी और रिडक्शन वाला भी, दोनों टॉपिक को आपको कम्प्लीट कर लेना है और आपको एग्जाम में लिख कर आना है। सो मोस्ट टाइम पे टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता रहता है, तो आप इसे कम्प्लीट करके जरूर जाइएगा। और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से भी आप मुझे जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।